Hello students, we were studying limited liability partnership. Limited liability partnership में first lecture में मैंने आपको just एक brief introduction दिया था. Second में हमने features किए थे. आज हम करेंगे merits. Merits बच्चों more or less जो कल आपको मैंने features बताए थे, उन features में मैंने सारे के सारे merits verbally explanation में cover कर दिए थे और इसका difference भी cover किया था LLP का मैंने अनलिमिटेड पार्टनरशिप के साथ. बट स्टिल आप क्योंकि आपकी बुक में मैरिट्स अलग से दे रखा है तो आई विल बी जस्ट गिविंग इट अ क्विक रीड. आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन इट अगेन. अगर आपको इसमें से किसी की एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो या तो आप पुराने वाले लिंक्स विजिट करो, पुरानी जो वीडियो मैंने आपको फीचर्स वाली सेंड की है, जो इंट्रोडक्शन वाली सेंड की है, क्योंकि इसमें सारे के सारे वही पॉइंट्स हैं. ठीक है, और फिर भी अगर समझ नहीं आता है तो जस्ट कॉन्टेक्ट मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी, आई विल बी टेकिंग अप योर क्वेरीज. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द मैरिट्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के क्या क्या मैरिट्स होते हैं. सबसे पहला इजी टू फॉर्म. इजी टू फॉर्म में बच्चों सबसे पहली बात ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपने अगर कोई भी LLP क्रिएट करनी है, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है एक पार्टनरशिप फॉर्म में जो कि एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होना चाहिए, तो इट इज वेरी सिंपल एज कंपेयर टू अदर कंपनीज बिकॉज इसमें कोई बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं होती. कोई भी दो या दो से अधिक व्यक्ति जो कि एक लॉफुल बिजनेस कर रहे हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है, वो सिंपली अपने नेम सब्सक्राइब कर सकते हैं एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में और उस डॉक्यूमेंट को फाइल अप कर सकते हैं रजिस्ट्रार के साथ और इस तरह से LLP फॉर्म हो जाती है. बॉडी कॉर्पोरेट विद सेपरेट लीगल एंटिटी, मैं आपको ये बात पहले भी दो लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि LLP एक बॉडी कॉर्पोरेट है जिसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स इसका पृथक कानूनी अस्तित्व होता है, यानी कि ये साझेदारों से अलग होती है. ठीक है, तो इस तरह से इसकी एक अपना एक कानूनी अस्तित्व है. ये अपने आप से अपने फंड्स को ओन कर सकती है, अपनी प्रॉपर्टीज अपने नाम से बाय कर सकती है. इसको पार्टनर्स के नाम की जरूरत किसी प्रॉपर्टी की परचेजिंग के लिए या किसी भी तरह के लिए नहीं चाहिए. परपेचुअल सक्सेशन, जैसे पार्टनर्स की डेथ से, ल्यूनेसी से, इंसॉल्वेंसी से LLP के एग्जिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता. LLP चलती रहेगी, काम करती रहेगी जब तक कि इसको एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ बंद ना किया जाए. तो पार्टनर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, उससे LLP के एग्जिस्टेंस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी. ये भी हम पढ़ चुके हैं कि LLP में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो बिल्कुल लिमिटेड होती है और लिमिटेड किस हद तक होती है, टू द अमाउंट ऑफ देयर एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन. जितना कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने बिगनिंग में एग्री किया होगा उससे ज्यादा उनकी लायबिलिटी नहीं होती. और जो फर्म भी है, LLP फर्म भी है, उसकी भी लायबिलिटी लिमिटेड होती है टू द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स असेट इन द बिजनेस. कि जितने इनके बिजनेस में असेट्स हैं उससे ज्यादा इनकी लायबिलिटी नहीं बनती. फ्लेक्सिबल टू मैनेज. तो LLP एक्ट 2008 जो है वो अपने मैनेजर्स को, अपने पार्टनर्स को ये पूरी फ्रीडम देता है कि वो अपने बिजनेस को जिस तरह से चाहे वो मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, तो वो अपने आप से एक एग्रीमेंट बना सकते हैं, उस एग्रीमेंट में अपने बिजनेस के लिए अपने रूल्स डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है LLP एक्ट की पार्टनर्स को बताने में कि वो अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करेंगे. पार्टनर्स को LLP एक्ट लिबर्टी देता है कि वो कैसे अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं. इजी ट्रांसफरेबल ऑनरशिप. तो इसका मतलब ये है कि LLP में पार्टनर्स बनना या पार्टनरशिप को छोड़ना, ठीक है, दोनों ही कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है. इजी टू रेज मनी. अब क्योंकि एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, अब क्योंकि इसका अपना लीगल एंटिटी है, इसका कानूनी अस्तित्व है, तो इसको फंड्स लेने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है. नॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है, इन्वेस्टर्स जो हैं, वो इजीली जो है फंड्स इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहते हैं. लेकिन अगर हम सिंपल सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो वहाँ मेन प्रोप्राइटर की गुडविल के ऊपर रह जाता है क्योंकि वो स्मॉल बिजनेस होता है. LLP क्योंकि एक रेगुलेटेड एंटिटी है इसीलिए इसको फाइनेंस अट्रैक्ट करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है. नेक्स्ट कैपेसिटी टू स्यू. अब क्योंकि ये रजिस्टर्ड होगी तो इट हैज कैपेसिटी टू
सू। पार्टनर्स आर नॉट द एजेंट्स ऑफ अदर पार्टनर, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड पार्टनरशिप की तरह एलएलपी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर पार्टनर्स जो है वो दूसरे पार्टनर के रॉन्गफुल डीड्स के लिए लायबल नहीं होते हैं। कंप्लायंसेस, सो एज कम्पेयर टू अ प्राइवेट कंपनी द नंबर ऑफ कंप्लायंसेज आर ऑन द लेसर साइड इन केस ऑफ एलएलपी। एलएलपी में कंप्लायंसेज हैं, जो प्रोविजन है इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर हम इसको कंपेयर करें किसी प्राइवेट कंपनी के साथ। लोअर रेट ऑफ टैक्सेशन, तो यहाँ पर एलएलपी के केस में जो टैक्स का रेट है वो भी लो है एज कम्पेयर टू अ कंपनी। क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ एलएलपी, नेचर ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो अगेन इसमें भी जो पॉइंट ऑलरेडी हम पहले ही मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आई विल प्रेफर नॉट टू एक्सप्लेन ऑल दोज पॉइंट्स अगेन, ठीक है? बट जहां मुझे लगेगा समथिंग इज न्यू आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट, फिर से वही बात कि एलएलपी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक सेपरेट कॉर्पोरेट बॉडी है ये, ठीक है? तो ये यहाँ पर यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी है इसकी अपने पार्टनर से। तो इट एनी चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी शैल नॉट अफेक्ट इट एग्जिस्टेंस राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ एलएलपी, एज अ रिजल्ट इट एंजॉयज परपेचुअल सक्सेशन। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि एक अलग इसका पृथक कानूनी अस्तित्व है, ये एक सेपरेट बॉडी है, इसकी एंटिटी अपने पार्टनर से अलग है, जिसकी वजह से इसका एक परपेचुअल सक्सेशन है, चाहे पार्टनर्स आए या जाए उससे एलएलपी के एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी कि एलएलपी के ऊपर जो है वो नॉन एप्लीकेबल है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके ऊपर तो एलएलपी एक्ट 2008 एप्लीकेबल होता है। थर्ड पॉइंट, एनी पार्टनर्स, पार्टनर्स में क्या बता रखा है, एनी इंडिविजुअल बॉडी कॉर्पोरेट मे बी अ पार्टनर इन अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इट इज प्रोवाइडेड दैट एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर ऑफ एलएलपी इफ, ये कंडीशंस है, यानी कि सबसे पहले बता रखा है कि कोई भी इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट जो भी चाहे एलएलपी में पार्टनर बन सकता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकते। वो कौन है? वो ये ए बी और सी पॉइंट्स में मेंशन है। पहला कि वो व्यक्ति अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, ठीक है? यानी कि कोई पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, या फिर ही हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग, कि उसने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया हुआ है लेकिन अभी तक उसका एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग है, उसका कोई अप्रूवल नहीं आया है, तो ऐसा व्यक्ति भी हम इंसॉल्वेंट मान करके चलते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि वो पार्टनरशिप फर्म में एलएलपी फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता, ठीक है? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, ये हमें पहले भी पढ़ चुके हैं कि पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। किसी भी कारण से एलएलपी में नॉर्मल जो है कम से कम 2 पार्टनर होने जरूरी है, लेकिन यदि कभी कोई ऐसा समय आता है कि जो एलएलपी में नंबर ऑफ पार्टनर है वो किसी कारण से रिड्यूस्ड बिलो 2 हो जाते हैं, यानी कि 2 से भी कम रह जाते हैं, और एलएलपी का बिजनेस लंबे समय तक 6 महीने तक ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है? तो जो इकलौता पार्टनर उस बिजनेस को संभाल रहा है उसकी पर्सनल लायबिलिटी बन जाती है, यानी कि उस केस में जो भी एलएलपी की ऑब्लिगेशंस होंगी उसको मीट करने के लिए वो पर्सनली लायबल हो जाएगा, क्योंकि अब वहां पर पार्टनरशिप नहीं रही है, क्योंकि वो एक इकलौता पर्सन है जो 6 महीने से ज्यादा उस बिजनेस को संभाल रहा है। सो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है, बट स्टिल आई एम गिविंग इट अ रीड, आई थिंक वी हैव नॉट डिस्कस्ड इट अर्लियर, तो मैं एक बार फिर से इसको पढ़ रही हूँ ताकि आपको जो भी पॉइंट्स मैंने अभी बताए हैं आपको क्लियर हो जाए। एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शेल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए, इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज रिड्यूस्ड बिलो 2, किसी समय यदि पार्टनर्स की लिमिट 2 से कम हो जाए तो, एंड द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप
कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ्स और फिर भी वो एक ही व्यक्ति रह गया जब 2 से कम हो गए और वो एक व्यक्ति उस बिजनेस को 6 महीने से ज्यादा समय तक चला रहा है, वाइल द नंबर इज सो रिड्यूस्ड, जबकि 2 बंदे उस बिजनेस में नहीं है, वो इकलौता व्यक्ति उस बिजनेस को LLP फॉर्म को 6 महीने से ज्यादा समय के लिए चला रहा है, तो ऐसे केस में द पर्सन हु इज द ओनली पार्टनर ऑफ LLP ड्यूरिंग द टाइम दैट इट सो कैरीज ऑन द बिजनेस आफ्टर दो 6 मंथ्स एंड हैज द नॉलेज ऑफ द फैक्ट दैट ही इज कैरिंग ऑन द बिजनेस विद हिम अलोन शेल बी लाइबल personally for the obligations of LLP incurred during that period, कि उस समय में जो भी obligations LLP की होंगी तो वो इकलौता व्यक्ति उसके लिए liable होगा, ठीक है। The next is designated partner, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि LLP में कम से कम 2 designated partners होने जरूरी हैं, वो designated partners individual होने चाहिए और उनमें से एटलीस्ट एक पार्टनर जो है रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया में। अब बात ये आती है कि हम रेजिडेंशियल स्टेटस उसका कैसे डिटरमाइन करते हैं, कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो व्यक्ति रेजिडेंट है, तो इसके लिए हम कहते हैं कि वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 दिन 182 डेज उसे कंसर्न ईयर प्रीसीडिंग वन ईयर में तो वो वहां पर इंडिया में रहा हो, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द टर्म रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग वन ईयर, यानी कि जिस साल की हम बात कर रहे हैं, जिस साल उसने पार्टनरशिप के लिए अप्लाई किया उससे 1 साल पहले वो कम से कम इंडिया में 182 डेज रहा हो, ठीक है, तो वो क्या माना जाता है, रेजिडेंट पार्टनर माना जाता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हेयर इज तो और उसके बाद कि LLP में डेजिग्नेटेड पार्टनर किस किस को अपॉइंट कर सकते हैं और किस किस को नहीं कर सकते हैं। पहले बताया कि 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, इंडिविजुअल होने के साथ एक रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अभी उसके लिए एक ही कंडीशन है बच्चों कि एवरी LLP शेल फाइल विद द रजिस्ट्रार द पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल हु हैज गिवन हिज कंसेंट टू एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, कि जो भी पर्सन LLP में डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट हुआ है तो LLP को रजिस्ट्रार को डेजिग्नेटेड पार्टनर की इंफॉर्मेशन देनी होती है उसकी अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो जो भी इंडिविजुअल जो कि डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है, ठीक है, तो उसको कुछ रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस को पूरा करना होता है। वो कंडीशन क्या है ये देखो यहाँ पर, आई विल बी जस्ट गिविंग इट अ रीड। अकॉर्डिंग टू LLP रूल 9/1/2009 अ पर्सन शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बीइंग अपॉइंटेड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ LLP इफ, कि कोई भी पर्सन यदि वो ये सारे ऐसे ऐसे काम में इन्वॉल्व है कहीं, तो उसको हम LLP में डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट नहीं कर सकते। तो वो क्या है कि वो पिछले 5 साल में कभी इंसॉल्वेंट एडजस्ट हुआ है, कभी उसने क्रेडिटर्स के पेमेंट के साथ कुछ सस्पेंशन हुआ है उसका लास्ट 5 ईयर्स में, कभी उसको ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट फॉर एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग moral turpitude and has been imprisoned for not less than 6 months, यानी कि चाहे उसको जेल हुई है या फिर उसने कुछ moral किसी भी reasons की वजह से उसको जेल में रहना पड़ा है, तो he has been convicted by the court for an offence involving section 30 of the act। तो ऐसा उसने कोई भी offence किया है या insolvent है या किसी creditor की payment उसने अगर timely नहीं की है तो he will not be appointed as designated partner in any LLP। इसके अलावा उसको एक DPIN लेना जरूरी है जिसको हम designated partner identification number बोलते हैं। The next point is liability of designated partner. Liability of designated partners का मतलब क्या है बच्चों, कि unless expressively
provided otherwise in the act, every designated partner shall be, कि हर designated partner की क्या-क्या liabilities होती हैं। अब वो liabilities क्या बनती है बच्चों, simple सी बात है, कोई भी designated partner है तो उसका ये फर्ज बनता है कि जो भी act में लिखा हुआ है, जो भी LLP Act की provisions में लिखा हुआ है, उसको वो सारे provisions पूरे करने हैं, यानी कि उस Act के according एक designated partner की जो भी responsibilities बनती हैं, जैसे कि कोई document file करना है, return file करना है, कोई statement submit करना है, कोई report present करना है, तो ये सारे काम उसको करने ही करने हैं। और अगर वो ऐसा नहीं करता है, तो he is liable to all the penalties imposed on the LLP for any contravention of those provision of this act. Clear? तो अगर वो ऐसा नहीं करता है, तो LLP के provisions में ऐसे केस में जो भी उसकी liability बनती होगी, उसको वो सब पूरी करनी होगी, उसको वो दायित्व जो है निभाने पड़ेंगे। ठीक है? Next है changes in designated partners, कि यदि कोई designated partner में कोई change हो जाता है, change कैसे हो जाता है कि कोई छोड़कर चला गया, अब कोई दो designated partner होने जरूरी हैं, लेकिन मान लो किसी reason की वजह से कोई एक partner जो है वो अपनी designation उसने छोड़ दी post उसने, ठीक है, उसने LLP से separate हो गया वो, तो अब क्या हुआ, उसकी पोस्ट क्या हो गई, उसकी पोस्ट वेकेंट हो गई। जब उसकी पोस्ट वेकेंट हो गई, तो रीजन कुछ भी हो, एलएलपी को विदिन 30 डेज ऑफ वैकेंसी नया पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करना होता है। देखो यहाँ लिखा है द एलएलपी हैज टू अपॉइंट डेजिग्नेटेड पार्टनर विदिन 30 डेज ऑफ वैकेंसी अराइजिंग फ्रॉम एनी रीजन, रीजन जो भी रहा हो 30 दिन के अंदर अंदर उसको न्यू डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करना है। यदि किसी रीजन की वजह से LLP एक न्यू डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपॉइंट नहीं कर पाए, तो ऐसे केस में उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर के अलावा जितने भी LLP में पार्टनर होंगे, ईच पार्टनर ऑफ LLP शैल बी डीम्ड टू बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। जब तक दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स नहीं है, तब तक जितने भी पार्टनर्स है वो सब क्या माने जाएंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे। क्लियर? पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 7, 8 एंड 9। अभी आपने 7, 8 एंड 9 पढ़ा है, 7, 8 और 9 ये देखो मैंने अभी आपको कराया था। 7 में क्या था कि अपॉइंटमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर आपने किस रूल के अकॉर्डिंग करनी है, किस पर्सन को अपॉइंट करना है, ठीक है, और उसके बाद कैसे कैसे आपको डीपिन नंबर लेना है, कैसे उसकी अपॉइंटमेंट का आपको आगे रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है, फिर उसकी क्या क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं, क्या क्या लाइबिलिटीज बनती हैं सेक्शन 8 में। सेक्शन 9 में जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चेंज हुए हैं उसके रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं, यही पढ़ लिए। तो अब वो कहता है कि यदि आप सेक्शन 7, 8 और 9 के रूल्स को फॉलो नहीं करते हो, ठीक है, तो अगर कोई आपसे, मेरा मतलब यहाँ क्या है, LLP से है, तो यदि LLP fails to appoint designated partner under section 7 subsection 1 of the act, कि अगर LLP जो है designated partner को as per the rule appoint नहीं करती है, ठीक है, या तो उस केस में LLP and its every partner, LLP के साथ साथ उसका हर साझेदार, ठीक है, उसकी क्या बनेगी, उसकी punishment ये होगी that they have to pay a fine of minimum 5 fine of 10,000 rupees but which may extend to 5 lakh rupees, यानी कि minimum 10,000 से लेकर maximum 5 lakh तक उनके ऊपर penalty पड़ सकती है। दूसरी बात, ये तो जो अपॉइंट, ये जो रूल बताया, ये जो पनिशमेंट बताई, दिस इज फॉर द सेक्शन 7, यानी कि अगर जो डेजिग्नेटेड पार्टनर की अपॉइंटमेंट एज पर द रूल नहीं होती है, सेक्शन 7 की वॉयलेशन के लिए है, ठीक है, लेकिन अगर LLP
जो भी अपॉइंटमेंट की कंडीशंस है, सेक्शन अपॉइंटमेंट के साथ साथ जो भी प्रोविजन सेक्शन 7, 8, 9 की है, यानी कि अब 7 हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, 8 हो गया उसकी लायबिलिटी से रिलेटेड, 9th हो गया उसकी चेंजेस से रिलेटेड, तो यदि 7, 8, 9 के रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है तो उस केस में LLP और उसके हर पार्टनर की पनिशमेंट क्या बनती है, विद अ मिनिमम फाइन ऑफ 10,000 रुपीज, बट इट में एक्सटेंड to 1 lakh rupees. Did you get the difference? So that's all for today, and all the contravention of the punishment contravention of section 7, 8, 9 के लिए जो भी punishment है, that is being defined under section 10. So that's all for today. Take care.